कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं एक लड़की को जिसके पास एक अनजान कॉल आती है। वो पूछता है, अपना नाम बता और थोड़ा धमाल करेगी क्या? लड़की बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी। वो पूछता है, और क्या कर रही है बे? वो कहती है, मैं पॉपकॉर्न पका रही हूँ, डरावनी मूवी देखने का प्लान है। वो पूछता है, कौन सी मूवी? लड़की कहती है, सिलमोन भोई की ट्यूबलाइट। अनजान कहता है, अरे वो तो कॉमेडी मूवी है, पर जो भी हो तुम्हारी आवाज बड़ी सेक्सी है, ये बताओ अपना नाम बताने का कितना बड़ा लोगी? जान तो लू जिसको देख रहा हूँ उसका नाम क्या है? लड़की की फटकर 464 हो जाती है। हम उस अनजान को देखते हैं जो कि एक भूतिया है। कहता है, तेरी चूचिया बड़ी सॉलिड है। लड़की पूछती है, क्या चाहते हो तुम? भूतिया कहता है, मैं चाहता नहीं, मैं चाटता हूँ। लड़की कहती है, अबे साले भूतिया सुन, मेरा बॉयफ्रेंड आने ही वाला है, वो एक बॉडी बिल्डर है, वो तुझे धो डालेगा। भूतिया पूछता है, अच्छा धोएगा भी और डालेगा भी? लड़की कहती है, हाँ, और मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। भूतिया कहता है, ठीक है, पर तू पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई। लड़की दौड़कर दरवाजे को लॉक करती है, तब तक भूतिया अंदर घुस चुका था। वो दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ दौड़ती है, जहाँ पर दो साइन बोर्ड लगे थे, सेफ्टी और डेथ। वो डेथ की तरफ दौड़ती है, भूतिया उसके पीछे ही होता है। लड़की दौड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, भूतिया उसे पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। वो नंगी बिना कपड़ों के भाग कर जाती भी तो जाती कहाँ, भूतिया उसे फिर से पकड़ लेता है और उसकी चूचियों में अपना चाकू घुसा देता है। भूतिया के चाकू में उसकी चूचियों का सिलिकॉन आ जाता है। ये वही चीज है जो पोर्न स्टार अपनी चूचियों में घुसवा कर उन्हें बड़ी और टाइट करवाती है सर्जरी के द्वारा। सड़क पर सामने से गाड़ी आ रही थी जिसको ड्राइव कर रहे थे लड़की के पिता। वो उनसे हेल्प मांगने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका पिता उसकी मोम को अपना चुसवाने में मस्त था, तो वो उसे उड़ा देता है और भूतिया उसका काम तमाम कर देता है। आगे कॉलेज में हम देखते हैं दोस्तों के एक ग्रुप को, जिनका नाम इस प्रकार है, लंडूर, लंडूरी, सोल्टी, ब्रेंडा, बोबी और पिंडी। लंडूरी पूछती है, क्या तुमको नहीं लगता उस लड़की का मर्डर ठीक एक साल बाद हुआ है, जब हमने उस आदमी को मारा था? कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां ये सारे चूतिया कार में शराब और सबाब के साथ धमाल मचा रहे थे। ध्यान भटकने की वजह से वो लोग एक आदमी को उड़ा देते हैं और खुद भी मरते मरते बचते हैं। बोबी गाड़ी से उतरते ही लंडूर पर भड़क पड़ता है, कहता है, साले तूने मेरी गाड़ी की मां दी और अब मेरा बाप मुझे चोद देगा। तभी उनकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसको उन्होंने ठोक दिया था। वो सभी आपस में बहस करने लगते हैं, तभी ठुका हुआ आदमी खड़ा होता है और बोलता है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बोबी अपनी दारू की खाली बोतल पीछे की तरफ फेंकता है, जो कि ठुके हुए आदमी के सर पर जाकर ठुकती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो लोग उसे उठाते हैं और अपनी कार की डिग्गी में डालते हैं और एक डॉक के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ वो उसके पैसे, उसके पर्स और कपड़े वगैरह सब चीज चुरा लेते हैं। फिर उसकी बॉडी को वहीं पानी में फेंक देते हैं। बोबी कहता है, अंडी बंडी संडी, तुम लोगों ने अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी माँ। डायलॉग पूरा होता इससे पहले ही सभी लोग कसम खाते हैं कि वो लोग इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन लंडूरी वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। बोबी उसके पास जाता है और उसका गला जोर से दबाते हुए बोलता है, बोल बहन की घोड़ी तेरी माँ की, बोल भोसड़ी की, बोल की इस बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। बोबी कहता है, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, किसी के भी साथ हो सकता है। तभी हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की के मर्डर की पूछताछ करने के लिए शेरिफ से बात करना चाहती है। शेरिफ कहता है, चल हट तेरी माँ की। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक कम दिमाग चूतिए पर पड़ती है, जिसका नाम जहरीला है, क्योंकि उसके मुंह से परमानेंट जहर टपकता रहता है। रिपोर्टर उसके पास जाती है और उससे मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। जहरीला कहता है, बिना रिश्वत के मैं अपना मुंह नहीं खोलता। रिपोर्टर कहती है, तो क्यों ना हम उस वैन में जाकर कुछ धमाल मचाएं, और उसकी उंगली को अपने मुंह में डालती है। जहरीला कहता है, मेरा खड़ा हो गया है, तुम क्यों खड़ी हो, चलो जल्दी चलो। लंडूरी क्लास में होती है, जहां पर उसको अपनी टेबल पर एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूं तुमने पिछले हैलोवीन पर क्या किया था, जिसे पढ़कर उसकी फटी की फटी रह जाती है। कॉलेज में ही गेम के बाद जब बोबी अपने लॉकर के पास पहुंचता है, तो उसे वहां पर एक फोटो लगी मिलती है, जिस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि उसका औजार बिल्कुल राई के दाने जितना है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और पूछता है कि ये किसने किया। सभी लोग उसके राई के दाने को देखकर उसकी बहुत खिल्ली उड़ाने लगते हैं। बोबी कहता है, किसी ने शावर का गर्म पानी बंद कर दिया था, ये ठंडे पानी की वजह से हुआ है ऐसा। और लड़कियां जब उसके राई के दाने को देखती है तो चौंक जाती है। लंडूरी कहती है, सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है ऐसा। बोबी पूछता है, क्या कहना चाहती हो, लंडूर का भी इतना ही छोटा है? वो कहती है, नहीं मैं नोट की बात कर रही हूँ, मुझे भी एक नोट मिला है जिसमें उस आदमी का जिक्र है जिसको हमने पिछले हैलोवीन पर मार दिया था। बोबी कहता है, कोई साला हमारी फिरकी ले रहा है। लंडूरी कहती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ये बात सुनते ही बोबी की बुद्धि सटक जाती है और वो लंडूरी को दे लात दे घुसंड बढ़िया से पिलाता है। कहता है, अगली बार तूने पुलिस का नाम लिया तो मैं तेरी मैया
दूंगा। हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखते हैं जिसके अंदर पिंडी परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसको देखने के लिए बॉबी भी वहाँ मौजूद था। तभी पीछे से वो भूतिया आ जाता है। पिंडी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, पीछे देखो, पीछे, पीछे तो देखो। कोई कुछ करो, कोई बचाओ उसे, बचाओ, कोई तो बचाओ उसे, आप लोग मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वो स्टेज पर एक्टिंग की परफॉर्मेंस भी देने वाली थी। तब तक भूतिया उसके बॉयफ्रेंड के प्राण पखेरु उड़ा ले जाता है। अब इतनी तगड़ी एक्टिंग की वजह से ये हुआ कि वो परफॉर्मेंस जीत जाती है। लंडूरी अपने घर पर होती है, तभी फोन रिंग होता है। वो फोन उठाती है, आवाज आती है, पहले मैं तुम्हारी खोलूंगा, फिर तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद घुसेड़ दूंगा। लंडूरी पूछती है, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है, मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ। लंडूरी उसको ढूंढने लगती है। उसको वो एक सोफे के पीछे झुका हुआ दिखता है। लंडूरी कहती है, तुम सोफे के पीछे हो। भूतिया पूछता है, अबे साला तेरे को कैसे पता चला। लंडूरी कहती है, मैं तुम्हारी गांड देख सकती हूँ। भूतिया उठता है और पीछे देखता है, कहता है, दत्त तेरे की बहन चोद, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है। लंडूरी दौड़ने लगती है और उसके हाथ में जो भी चीज आती है वो उसे उसकी तरफ फेंकती है। उसकी दादी उसके सामने आती है तो वो उसे भी फेंक देती है, फिर एक पियानो को भी फेंक देती है। भूतिया तो उससे बच जाता है, लेकिन दादी उसकी चपेट में आ जाती है। वो दौड़कर अपने कंप्यूटर पर एक मैसेज टाइप करती है कि एक गोरी लड़की मुसीबत में है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो भूतिया वहाँ से भाग जाता है। लंडूर लंडूरी की खिड़की के रास्ते से अंदर घुसता है। लंडूरी उसको सब कुछ बताने लगती है। तभी लंडूर की पॉकेट से फोन, चाकू और दस्ताने गिरते हैं। लंडूरी को लगता है कि वो भूतिया यही है, इसीलिए वो उसको पुलिस के हत्थे चढ़वा देती है। पिंडी उसको पुलिस स्टेशन में लेने जाती है। जहरीला भी वहाँ मौजूद था, जिसके बाद वो अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जहरीला पिंडी का भाई है। वो कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उस बंदे को पानी से निकाल लेंगे जिसको तुमने पिछले साल पानी में फेंक दिया था। पिंडी कहती है, मैंने ही उसको ये बात बताई थी, किसी को भी उस चूत के ढक्कन पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग के पहले से ही लोड़े लगे पड़े हैं। अब एक बार फिर से भूतिया की कॉल आती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि लंडूर कातिल नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त जेल में है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर पिंडी अपने लॉकर्स में कुछ फेर बदल कर रही थी। भूतिया वहाँ आता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। आगे हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसने जहरीले का जहर चूसा था। वो एक सुनसान जगह पर होती है, जहाँ पर वो कहती है कि हो सकता है कि आज हम यहाँ पर किसी का मर्डर होते हुए देखें। तभी वहाँ पर उसको अकेली एक कार में बैठी हुई लड़की दिखती है। रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। लड़की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने ही वाला है। रिपोर्टर कहती है, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया है और शायद अगला नंबर तुम्हारा है। लड़की खुशी से कहती है, वाओ ये कितनी खुशी की बात है। तभी यहाँ पर भूतिया आ जाता है और वो रिपोर्टर के सामने ही लड़की को दे चाकू घुपोने लगता है। रिपोर्टर लड़की से पूछती है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। रिपोर्टर कहती है, मैं करना तो चाहती हूँ पर टीआरपी का सवाल है। वो भूतिया से भी पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन भूतिया उस पर भड़क पड़ता है। कहता है, तुम टीवी वाले साले सभी की गांड में उंगली करते रहते हो। एक तो सराफत से काम कर रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग करने भी नहीं दे रहे। साला सराफत का जमाना ही नहीं है। मूवी थिएटर में सोर्टी और ब्रेंडा मूवी देख रहे थे। सोर्टी को बहुत जोर की लगी थी तो वो मूतने चला जाता है, और उसके जाते ही ब्रेंडा अपनी पकड़ चालू कर देती है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग उससे परेशान होने लगते हैं। तभी वहाँ पर भूतिया उसके बगल में आकर बैठता है और अपना चाकू निकालता है। सभी लोग जो ब्रेंडा के आजू बाजू में बैठे थे वो भी चाकू निकालते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि वो किसी को भी शांति से मूवी नहीं देखने दे रही थी। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। हम लंडूरी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसने एक पार्टी रखी है। ड्रिंक खत्म हो जाती है तो एक मोटी ड्रिंक लेने के लिए गैराज में जाती है। भूतिया भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। भूतिया भी उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है, इतनी बड़ी डिक्की लेकर भागती रहती है, रुक तेरे हॉर्न बजाता हूँ। वो मोटी लड़की एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। भूतिया शांति से खड़ा होकर देखता है कि तू करी ले मोटे चूतड़ो वाली, मैं भी तो देखूं तू करना क्या चाहती है। जिसके बाद भूतिया गैराज का शटर उठाता है, लेकिन वो शटर मोटी का वजन नहीं उठा पाता, जिसकी वजह से वो पूरी जगह निस्तो नाबूद हो जाती है। लंडूरी के घर में ही कालिया और उसके दोस्त फूंक रहे थे। भूतिया वहाँ आता है और उन सभी के साथ फूकने में लग जाता है, जिससे उसको नशा हो जाता है। फिर वो एक रैप सुनाता है, इसके लिए उसके लिए ऐसे ली वैसे ली, यहाँ ली वहाँ ली, अंदर ली बाहर ली, आगे ली पीछे ली, ली ली मैंने ली, हाँ ली मैंने ली। कालिया अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि उसके सारे दोस्तों को उसने सुला दिया है। जिसके बाद भूतिया लंडूर को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसका काम तमाम कर देता है। कमरे में लंडूरी भी थी तो वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो दौड़कर अपने पिता की गन उठा लेती है। लंडूर भी वहाँ घिसड़ते घिसड़ते पहुँचता है और उससे
उसकी गन ले लेता है। तभी कालिया भी वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और वो काफी डरा हुआ था। लंडूर बंदूक से उसको उल्टा देता है। लंडूरी गुस्सा हो जाती है कि उसने ये क्या किया। वो देखती है कि लंडूर घायल नहीं है, उसने बस अपने कपड़ों पर सोस गिराई है। तभी सोल्टी भी वहाँ पहुँच जाता है जो कि लंडूर के साथ मिला हुआ है। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। लंडूर कहता है, तू देती नहीं है और उससे दिमाग सटक भी सकता है। पूछती है, तो मेरे ना देने की वजह से ही तुमने सारे दोस्तों को मार डाला। लंडूर कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ उस कालिए को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे को घायल कर देंगे, जिससे सारा इंजाम भूतिए पर चला जाएगा। अब पहले चाकू खाकर घायल होने की बारी लंडूर की थी, लेकिन वो साला नोटंकिया करने लगता है, जिस पर सोल्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे दे दबाकर चाकू मारता है और उसका खेल वहीं खल्लास कर देता है। पीछे से भूतिया आता है और वो सोल्टी का भी काम तमाम कर देता है, जिससे उन दोनों गदर गांडुओं की यही मौत हो जाती है। भूतिया लंडूरी पर भी हमला करता है, लेकिन लंडूरी उसके हमले से बच जाती है। वो उसे एक दुलत्ती मारती है, जिससे वो घर के बाहर जाकर गिरता है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे भूतिया वहाँ नहीं मिलता। तब तक पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस स्टेशन में लंडूरी शेरिफ को सब कुछ बता देती है। कहती है कि हो ना हो ये कातिल वही इंसान है जिसको उन्होंने एक साल पहले समुद्र में फेंक कर मारा था। शेरिफ कहता है, नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मर चुका है। उसकी लाश समुद्र के कुछ मछुआरों को मिली थी और कहता है कि कोई ऐसा है जिसका उस विक्टिम के साथ कोई कनेक्शन है और उसे उस एक्सीडेंट के बारे में भी सब कुछ पता है और वो बिना किसी के नोटिस में आए आराम से घूम सकता है। तभी लंडूरी का मिंटोस वाला दिमाग काम करता है। वो कहती है, वो कम दिमाग वाला जहरीला, उसे इस बारे में सब कुछ पता था और वो बिना किसी के नोटिस में आए आराम से कत्ल कर सकता है। हम जहरीले को देखते हैं जो कि अपनी वेशभूषा बदल लेता है और हमें पता चलता है कि जहरीला पागल बिल्कुल भी नहीं था, वो बस सारी दुनिया को पागल बना रहा था। जिसके बाद वो रिपोर्टर के साथ कार में बैठकर यहाँ से 9:00-11:00 हो जाता है, लेकिन वो अपना झोला जानबूझकर वहीं सड़क पर गिरा देता है। शेरिफ जब उस झोले को खोलते हैं तो उसके अंदर उसे वही भूतिया मास्क, चाकू और दस्ताने मिलते हैं। ये देखकर लंडूरी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे उड़ा ले जाती है। हाँ तो दोस्तों, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये साला जहरीला लोगों को मार क्यों रहा था। जैसे मेरा क्वेश्चन पेंडिंग में है, वैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन भी पेंडिंग में है। अगर आप लोगों को उसका जवाब मिले तो मुझे भी बताना। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।